राम राम आप सभी लोगों ने। तो गाइस अभी हम आए हैं कुंवारिया, क्योंकि आप सभी को पता है नवरात्रि चल रही है। तो नवरात्र हम हर हर साल आते हैं, हर साल नवरात्रि में, और बीच में एक बार और आते हैं, मतलब गंगोर वगैरह होती है ना, वो उससे पहले एक बार और आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आ पाए हम। तो अभी हम यहाँ आए हैं और उधर जो है उस तरफ माता जी बैठे हैं, मैं उनके भी आपको दर्शन कराऊंगा। अभी जो है उधर सेवा पूजा हो रही है, उनके श्रृंगार वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, और जो कल हम सिटी जाके लहंगा वगैरह लाए थे ना, तो वो सब मम्मी उनको पहना रहे हैं। अभी जो है इधर जो कासा वगैरह बनेगा, दाल बट्टी चूरमा जो भी बनेगा भोग के लिए, उसकी तैयारी मैं इधर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सारा सामान यहाँ जमाया है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सारा सामान जमा दिया, बढ़िया एकदम मस्त, तो मज़ा मस्त कासा बनाएंगे, भोग लगाएंगे, बढ़िया मज़ा आएगा। तो ये सब सामान टंकी वंकी हम सब घर से लेके आए हैं, यहाँ हमने चादर बिछा दिया है, यहाँ बैठ के सारे जो भी, क्योंकि नवरात्र हैं तो लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, खाली राय जीरे में बनती है हर चीज़। तो हाँ ये बनाएंगे। बाल्टी लेके और मैं आया हूँ पानी भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ अंदर एक जगह भगवान ताला लगा रखा है, और अब अंदर कैसे जाएंगे, ताला लगा रखा है। मैंने जो है ये सब क्या बोलते हैं, धनिया और मिर्ची काट दी है, मैंने काट दी है। इधर इधर बन रहे हैं मीठे चावल, इधर पानी उबल रहा है जिसमें हम बनाएंगे दाल, और उसके बाद पार्टी के लिए कुकर लाना तो भूल ही गए। तो आगे जाके कोई मिलने वाले हैं, उनसे कुकर लेके आएंगे, फिर उसमें बाटी बेरू जी के लिए रोट, फिर वो सब बनाएंगे। तो एक बार चावल बन जाए उसके बाद में वो लेके आऊँगा। पानी लेने गए थे तो आपको मैंने बताया कि उन्होंने वहाँ ताला लगा रखा था, तो ताला लगा रहा, लेकिन पानी भरना भी ज़रूरी था। हेडपम्प से बहुत गंदा पानी आ रहा था, पीला पीला। तो मैंने कहा कि एक और लड़का था, मैंने उसको बुलाया, मैं डोली थी काफ़ी बड़ी, तो पत्थर रख के उस पर पैर रख के डोली से कूद गया, फिर उसने मुझे बाल्टी जलाई, फिर अंदर कूद के पानी भर के लाया, फिर वो डोली पे चढ़ गया, मैंने उसको पकड़ी, वो पकड़ के रखा, फिर वहाँ पर डोली पे चढ़ के नीचे कूदा, फिर उसने मुझे बाल्टी जलाई और फिर मैं पानी लेके आया। उसके बाद ये चावल और ये सब भरे, क्योंकि वो ट्यूबवेल लगी हुई है अंदर, ट्यूबवेल लगी हुई ना अंदर, तो साफ पानी, अच्छा पानी है, थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, लेकिन मज़ा आता है। ये सब चीज़ें आप ना मतलब एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप शहर में नहीं कर सकते, ये सब जो होता है ना आप गांव के अंदर ही कर सकते हो, विलेज में कर सकते हो, शहर में तो नहीं हो सकती। मज़ा आता है ना ऐसे डोली पर चढ़ के जाओ, अंदर कूद के पानी भर के लाओ, ये सब। क्योंकि शहर में तो क्या होता है, देखो हर जगह गवर्नमेंट सुविधाएँ कर रखी है, हर कॉलोनी में ट्यूबवेल लगा रखे, तो आप भर सकते हो। गाँव में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ हेडपम्प होते हैं या फिर कहीं कहीं ट्यूबवेल की व्यवस्था होती है, तो कहने के, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो वहाँ अभी चावल बनते हैं, उसके बाद फिर दाल चढ़ाते हैं। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार अकेला गाड़ी लेके आया हूँ मम्मी के साथ। वैसे मैं बहुत बार जाता हूँ सिटी में, बहुत बार मैं अकेला गाड़ी लेके, लेकिन इतना दूर उदयपुर से कुंवारिया 160 किलोमीटर है, ठीक है, 3 घंटे का रास्ता है, और अकेला लेके आया हूँ। इस बार पापा नहीं आए, क्योंकि पापा को कुछ काम था गाड़ी का, तो वो नहीं आ पाए, उनको बाहर जाना है तो वो इसलिए नहीं आ पाए। मैं मम्मी आए गाड़ी में, और ताई जी आ रहे हैं चित्तौड़ से, बाकी और भी हैं भदेसर से, भदेसर क्या यहाँ से क्या बोलते हैं, ताई जी आ रहे हैं, और भी है जो है ना क्या बोलते हैं, बिलवाड़ा से आएंगे, आमेट से आएंगे, तो सब अलग अलग जगह से आएंगे, फिर यहाँ मिलेंगे, फिर माता जी के दोख लेंगे। लेकिन फिर भी मैं अकेला गाड़ी लेके आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं अपने आप को प्राउड करूँगा कि इतना।
मौसम मस्त हो रहा है।